दोस्तों आप सभी को बर्फी तो पसंद होगी ही, पर बर्फी की तो बहुत सारी वैरायटीज होती है। आपको कौन सी पसंद है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग हमेशा की तरह मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। वैसे देखा जाए तो लोगों को ज्यादा काजू बर्फी, जिसे हम काजू कतली के नाम से जानते हैं, वही लोगों को ज्यादा पसंद होती है। तो इसीलिए आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए आज हम यहाँ रसोई रेखा की में बनाने जा रहे हैं काजू कतली। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कुछ भी बारीक टेक्निक आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। काजू कतली को बनाने के लिए सबसे पहले हम 200 ग्राम तक काजू लेंगे और इसे ग्राइंडर में बारीक पीस कर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने इसका काजू का एकदम अच्छे से पाउडर बना लिया है। आपको भी ठीक इसी तरह इसका बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर को पीस लेने के बाद अब हम एक कढ़ाई में 100 ग्राम तक चीनी में थोड़ा सा पानी डालकर हमेशा की तरह एक तार वाली चाशनी को तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने जो काजू कटली के लिए चाशनी बनाया था वो एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे, जो हमने काजू का पाउडर बनाया था वो इसमें डालकर अच्छे से इसको मिलाएंगे। अच्छे से इसको मिलाने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे डालने के बाद हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम 1 चम्मच देसी घी लेंगे और इसको भी इसमें मिलाकर इसे अच्छे से पकाएंगे। ध्यान रहे कि पकाते समय हमें इसे लगातार स्पैचुला से हिलाते रहना है। इसे मिलाते मिलाते अगर आपको लगे कि आपका जो काजू का मिक्सचर है अब गाढ़ा होने लगा है तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ करें और इसे स्पैचुला से लगातार हिलाते रहें। इससे काजू के जो मिक्सचर का टेक्सचर है वो गाढ़ा भी होते रहेगा और ये धीरे धीरे ठंडा भी होते रहेगा। ध्यान रहे कि आपको इस मिक्सचर को उतना ही ठंडा करना है कि आप इसे आराम से अपने हाथों से छू सके। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ कुछ डो जैसा दिखने लगा है और अब हम इसे आराम से छू भी सकते हैं। अब इसे बर्फी का शेप देने के लिए हमने नीचे एक बड़ी थाली को उल्टा कर बेस बनाया हुआ है और उसके ऊपर हमने फोम रैपिंग पेपर बिछाया हुआ है। आप चाहे तो बटर पेपर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे ताकि हमारी जो काजू बर्फी है वो चिपके नहीं। आपको भी ठीक इसी तरह करना है। अब हम एक बेलन लेंगे और उस पर थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे। अब हमारा जो बर्फी का डो मिक्सचर तैयार है उसे बेस पर रखेंगे और उसे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। बेलते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी मोटाई उतनी ही हो जितनी एक काजू कतली की होती है, तभी जाकर ये परफेक्ट काजू कतली बनकर सामने आएगी। अच्छे से बेलने के बाद अब हम इसे दूसरी थाली पर ट्रांसफर करेंगे ताकि हमारा जो बटर पेपर है इससे अलग हो जाए। अब हम अपने काजू कतली को किसी पिज्जा कटर या किसी चाकू से इसे बर्फी का शेप देंगे। शेप देते वक्त अगर कुछ एक्स्ट्रा एजेस बच जाते हैं तो उसे बाद में दोबारा मिलाकर बेलिए और उससे भी कट करके उसे काजू कतली का शेप दे दीजिए। और शेप देने के साथ ही ये देखिए, हमारे खूबसूरत टेस्टी काजू कतली बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको हमारी काजू कतली की रेसिपी पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर काजू कतली आपकी फेवरेट रेसिपी है तो हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ऐसी टेस्टी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।